हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स और मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली, सब लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली स्वस्थ रहे और खुश रहे, बस यही अभिलाषा की अभिलाषा है। आज है वेंसडे, सुबह का टाइम वही करीब 7:45 हो रहे हैं और मौसम अभी अच्छा है, थोड़ा हल्का हल्का, जैसे नहीं हल्का ठंडा मौसम है, ऐसे सड़ी वाली गर्मी सुबह के टाइम पर तो नहीं लगती है। फिलहाल अच्छा लग रहा है और मेरा भी नहाना हुआ है, घर की साफ सफाई हो चुकी है, बाकी ये काम होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय और उसके बाद शुरू करूंगी मैं अपना आगे का काम। और अभी मैंने कुछ दिनों पहले ग्रोसरी शॉपिंग की थी साईं जीवन से और वो कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी दिखाया था, तो बहुत सारा सामान दिखाया था। तो किसी ने मुझे बोला कि आपने मैदा और सूजी तो लिया ही नहीं। लिया था, सूजी के 2 पैकेट लिए थे, मैदा का 1 पैकेट लिया था, लेकिन हुआ क्या था, जब हम लोग बाहर से गृह प्रवेश किया गया, सारा सामान किचन में लाए रात में, तो सारा सामान जब थैले से मैंने खाली किए तो कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिसमें चींटियां घुस जाती हैं, तो मैदा है और सूजी रवा है, ड्राई फ्रूट्स हैं, तो फिर मैंने क्या किया था, उन पैकेटों को फ्रिज में रख दिया था, इसीलिए ये फ्रिज में रखे रह गया था। जब मैंने सारी चीजें रिफिल की थी, वो सारी दालें और जितनी सारी चीजें थी एक्स्ट्रा, वो सब दिखा पाई है, मैं भूल ही गई थी, बताना भी भूल गई थी, तो मुझे उनके कमेंट पढ़ के मुझे बड़ा हंसी आई। हमने कहा हाँ, कितना बारीकी से उन्होंने देखा और नोटिस किया, इसके बिना कहाँ गुजारा है, जब तक एक पैकेट मैदा ना हो और सूजी ना हो फिर हम आगे के काम रुक जाते हैं। तो मैं सूजी से ही बनाने वाली हूँ नाश्ता कम लंच। तो सूजी रवा एकदम साफ सुथरा है, एकदम साफ, तो ये मैं निकाल रही हूँ इस पैकेट से डायरेक्ट एक बड़े बर्तन में और इसमें मैं डाल रही हूँ दही। कल जब मैंने सारा सामान खोल करके अलमारी में रखा तो उस दिन मुझे किसी ने पूछा कि आप साफ करके नहीं रखती क्या ग्रोसरी? एक्चुअली साईं जीवन से जहाँ से हम सामान लेते हैं ना, वहाँ पूरा साफ सुथरा ही मिलता है। अगर मैं थाली में फैला के भी कोई चीज देखूँ ना, राई जैसी चीज भी देखूँ, तो सर पूरी थाली में एक तिनका भी नहीं मिलेगा कंकड़ वाला। इस वजह से हम लोग ऐसे भर देती हूँ मैं। और मैंने दही में सूजी को भिगो के साइड में रखा है और यहाँ पर कुकर में मैंने तुअर दाल धो करके फिर साफ पानी डाला है, हल्दी और नमक डाल करके इसको उबालने रख दिया है। चाय पहले ही मतलब छान के रख ली थी कप में, तब उसके बाद ये दाल का प्रोसेस किया और दाल पकती रही, मैं बैठ के अपना चाय वाय पीने चली गई वहीं बालकनी में और ये दाल हमारी पक गई है। ये है सूखा नारियल खोबरा, एक वाटी थी ना गोल, आधा कटा हुआ खत्म हो गया क्योंकि आधा मैंने देखो बैंगन में यूज किया था और अभी आधा ही चटनी में डाल दिया। ये ढेर सारी मूंगफली के दाने हैं, छिलके निकाल के भूना हुआ है इसलिए, एक टुकड़ा अदरक है और ये हरी मिर्ची। तो मतलब एक जो आधी वाटी थी ना खोबरा की, देखो 2 दिन में 1 वाटी खत्म हो गई, ये चटनी बन रही है और वो आधी बैंगन में लग गई थी। और किसी को आश्चर्य हो रहा था कि इतने नारियल का क्या होगा ना। और ये हरा धनिया और करी पत्ता, ये दोनों चीजें डाली हैं मैंने, अभी ने मैंने पीसा है, ये दरदरा सा पीसा है, ये देखो कुछ इस तरीके का, लेकिन सूखा नारियल पूरा पीस गया है, मूंगफली के दाने भी, साथ में हरी मिर्ची अदरक और करी पत्ता। मैं इसमें दही डाल रही हूँ, थोड़ी सी दही टेस्ट के लिए डाल रही हूँ, कई बार दही नहीं भी डालती हूँ नहीं होती है तो, पर है तो थोड़ा सा डाल दिया 1 कटोरी जितनी। और अब इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और चीनी भी डालेंगे हल्की सी मिठास के लिए। अब इन सभी चीजों को एक बार फिर से पीस लेंगे और ये बन जाता है गाढ़ा सा पेस्ट जैसा, तो ये बन जाती है शेंगदाने की चटनी यानी मूंगफली की चटनी।
इस चटनी को इडली के साथ में अक्सर बनाती हूँ। ढोकले के साथ भी अच्छी लगती है, चीले वगैरह में भी अच्छी लगती है, टेस्टी और हेल्दी, क्योंकि मूंगफली के दाने हैं और दही है। और ये हमारी चटनी तैयार हो गई। पतला करने के लिए पानी डाल दिया है, जितना पतला चाहिए। ये थेपले के साथ ही बहुत अच्छी लगती है, जो मतलब हरी पराठे वगैरह बनाते हैं हम लोग मेथी वगैरह के। तेल गरम करके राई, जीरा, लाल सूखी मिर्ची और करी पत्ता और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्ची और हींग डाल के ये तड़का बनाया, और इस तड़के को डाल दिया हमने इस चटनी के ऊपर। चाहो तो आप डोंगे में जैसे मैंने अभी तड़का डाला ऐसे भी डाल सकते हो, या फिर किसी बर्तन में आप जैसे फ्राइंग पैन में तड़का बनाओ, झट से चटनी डाल दो और बंद कर दो, मतलब पकाना नहीं होता। और अब कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा है। तेल गरम होते ही राई, जीरा, मेथी दाना और साथ में ये करी पत्ता, प्याज काटी हुई डाली है, और इन सबको हमें भून लेना है। थोड़ी सी हींग भी डाली है, इससे पहले कि मैं हींग भूल जाऊं, याद से मैंने हींग डाल दिया है। और सब चीजें डाल करके भून लेंगे बस। ये मैंने लाल सूखी मिर्ची डाली है। ये सूखी लाल मिर्च, जो घर में हरी मिर्ची लॉकडाउन के टाइम पर लाल हो गई थी, ये वही लाल मिर्चियां हैं। वैसे तो मार्केट वाला पैकेट भी रखा है लाल मिर्ची का, तड़के के लिए यूज करती हूँ मैं। और ये टमाटर काटे हुए रखे हैं, इनको भी डाल देंगे जब प्याज भुन जाएगी, तो टमाटर अच्छे से गल जाए, इसलिए मुझे अच्छे से पकाना है उसे। इस टाइम पर मैंने डाला है सांभर मसाला, तो 2 चम्मच के करीब भर के डाल दिया है सांभर मसाला। लाल मिर्ची पाउडर डाली है मैंने, हल्दी मैंने दाल पकाते समय डाल दिया था इसलिए अभी नहीं डाला है। और मैं बनाने वाली हूँ बिना सब्जी वाला सांभर। नमक डाला है जिससे टमाटर गल जाए, और दाल में तो नमक पहले से डला हुआ है। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, भून लेना है सबको। और ये मैंने इमली का पल्प पानी में डाल करके भिगो के रखा था, पल्प अच्छे से मैश करके उसका जो मोटा छिलका है वो निकाल दिया है, तो यानी इमली का पानी। और साथ में ये गुड़ डाल रही हूँ मैं, तो 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने गुड़ डाला है मिठास के लिए, और थोड़ी सी इमली का टुकड़ा था जो मैंने घोल के डाला है, जिससे हल्का सा खट्टापन आएगा सांभर में। टमाटर अच्छे से गला रही हूँ मैं, ताकि वो अलग अलग सा ना रहे, पेस्ट जैसा बन जाए। और सांभर मसाला है, प्याज है, ये पूरी अच्छे से पेस्ट तैयार हो गया। इस टाइम पर मैंने डाला है पकी हुई ये दाल, जिसमें सिर्फ इसके बाद जितना पतला करना है सांभर उतना मैंने पानी डाल दिया है, और इसे पकने देंगे। सांभर पतली बना रही हूँ मैं, क्योंकि इडली के लिए एकदम पतला सांभर पसंद करते हैं ये लोग। इडली वैसे ही सोख कर लेते हैं सांभर, गरम गरम पतला पतला सांभर चाहिए इन लोगों को, और इडली चाहिए और चटनी। तो ये और लेकिन आज जो इडली बनी है, फर्क इतना है ये इंस्टेंट बन जाती है, इसमें पहले से भिगो के पीस के रखने का काम नहीं है। सूजी और दही भिगो के रखी हुई है, कई बार तो तुरंत तुरंत हाथों हाथ भी बन जाता है, मतलब उसी टाइम मिक्स करके भी कर सकते हैं, पर चूंकि टाइम था हमारे पास इसलिए वो भीगी हुई रखी है। और ये सांभर हमारा अच्छे से खोल गया है, जब मैं बर्तन धुल रही थी उसी टाइम पर भी उबाल आ रही थी, फिर मैंने बंद किया था इंडक्शन, और अब दोबारा फिर खोला था, अब फिर बंद किया, और इसमें डाला है कटा हुआ हरा धनिया। तो सांभर हमारा तैयार हो गया। ये लोग इडली के साथ इसी तरीके की पतला सांभर पसंद करते हैं। इसे ढककर मैंने साइड में रख दिया है, और अब उठाएंगे बाउल सूजी का। और सूजी रवा को मैंने दही में भिगो के रखा था ना, खूब अच्छे से भीग गया है, गाढ़ा सा पेस्ट बन गया है। और अब मैं बना रही हूँ इडली। तो इडली का स्टैंड, इसमें ढोकला भी बनाती हूँ मैं और इडली भी बनाती हूँ। 3 प्लेट्स हैं, 2 बैच में आराम से इडली बन जाती है ढेर सारी। तो ये कुकर रखा है, इसमें पानी डालेंगे और आधा नींबू का टुकड़ा डालूंगी मैं। ये जो प्लेट्स हैं इनको ग्रीस कर लेंगे, ऑयल या घी कुछ भी लगा लेंगे इडली के प्लेट्स को। और ये बैटर है, थोड़ा ज्यादा है और थोड़ा गाढ़ा है, मैं इसको 2 बर्तन में निकाल ले रही हूँ हाफ हाफ करके। और जो हाफ मैंने बाउल में निकाला है, यानी कि एक बार में मुझे बनाना है, उसमें मैंने डाला है इनो, तो 1/2 टीस्पून इनो डाला है। बॉटल खत्म होने वाली आज इनो की। और इसमें डालेंगे नमक भी थोड़ा सा, पानी थोड़ा सा डाला है मैंने, क्योंकि इनो जो डाला है ना उसके हिसाब से डाल दिया। और हल्का सा उसको फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे, बहुत तेज नहीं फेंटना चाहिए इनो डालने के बाद। और मैंने प्लेट्स में ऑयल से ग्रीस किया है, और अब मैं बड़े चम्मच से भरती जा रही हूँ, और डायरेक्ट एक एक प्लेट में डाल करके उसको इस तरीके से
कुकर में ही रखती जा रही हूँ। इससे वो जमीन पे काउंटर टॉप में प्लेट में जो लगी होती है ना होल से, वो पूरा ऐसे फैलता नहीं है। और बस 10-12 मिनट में ये, एक बार चेक कर लो, 13 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट में ये इडली तैयार हो जाती है मैक्सिमम। और ये सूजी रवा की इंस्टेंट इडली, आप रवा दही भिगो के भी तुरंत उसी टाइम पर इनो डालें। और वैसे मैंने एक चीज और नोटिस की है, जो पैकेट वाला इनो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये जो मेरा बॉटल वाला है ना, बॉटल की वजह से मुझे लगता है कि वो फिर उतना अच्छे से काम नहीं करता है। पर अब खत्म हो गई बॉटल, अगली बार से मैं बॉटल नहीं लूंगी, मैं पैकेट लूंगी, पैकेट में सही रहता है। जैसे अगर आप एक पैकेट लो ना, हाफ पैकेट यूज कर लो, एक बैच में हाफ पैकेट डाल दो, एक पैकेट इनों में कंप्लीट ये इडली का हो जाता है प्रोसीजर। पर इडली सॉफ्ट बनी है एकदम, क्योंकि हमने इतनी देर तक सूजी को भिगो के रखा था। आप तुरंत तुरंत भी बनाएंगे ना तब भी इंस्टेंट इडली बन जाती है। और ये छोटे बच्चों की मम्मियों के लिए बहुत काम आती है, क्योंकि बच्चों को जिद हो जाती है ना इडली खाना है, तो ये फटाफट से बन जाती हैं। दोनों बैच बन गई इडली, एक प्लेट कम थी सेकंड बैच में। और ये एकदम सॉफ्ट इडली, चटनी और सांभर। तो इस तरीके से काम करते करते ये हाल होते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता। और हम लोगों को अपने तरीके से काम करने की जो आदत होती है, और ये हमारा भंडार घर। और पता है मजे की बात, मैंने रोटियां भी सेकी थी, वो दिखाया नहीं था, क्योंकि जब दाल बनी थी ना प्लेन दाल, तो गुप्ता जी को गरम गरम दाल रोटी खानी थी, तो उन्होंने गरम गरम दाल रोटी खाई थी। और घर आकर के वो इडली सांभर खाएंगे, आज दोपहर में आएंगे, तो इसलिए फिर ऐसा किया। इसलिए वो रोटी के बर्तन भी धुले थे मैंने, वो मैंने शूटिंग नहीं की। अब उनकी क्या 4-6 रोटी के लिए बनाऊं, दाल तो बनी ही थी, तड़का अलग से बनाया था पैन में, वो डाला था उनकी कटोरी में ऊपर से, तो वो दाल रोटी में खुश थे। खाओ तुम लोग इडली, मैं दोपहर में खाऊंगा कह रहे थे, क्योंकि 2 बार इडली हो जाती ना सुबह, वो भी सूजी रवा की, उनके लिए तो वही बड़ी बात हो जाती। हमने कहा ठीक है। और बस अब इस टाइम पर मैं यहाँ पर पूजा के लिए आई हूँ, क्योंकि सुबह झाड़ू लग के नहाना होता है, फिर सबसे पहले चौका करना पड़ता है, वो काम पूरा हो गया कि फिर भगवान याद आते हैं क्योंकि कोई है नहीं ना कि दिया बत्ती भी कोई कर दो, वो वाली बात हो जाती है। ये पाठ करना है थोड़ा सा, वैसे ज्यादा टाइम के लिए तो मैं भी नहीं कर पाती हूँ, इतना देर के लिए थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी वाला। और किसी ने मुझे पूछा है कि आप पीला कपड़ा क्यों बिछाती हैं, ज्यादातर लोग लाल कपड़ा मंदिर में बिछाते हैं, कोई खास रीजन है क्या? कोई रीजन नहीं है, वो लाल कपड़ा भी है मेरे पास, पहले मैं लाल ही बिछाया करती थी, कॉटन का अच्छा कपड़ा लाल है बड़ा। फिर एक बार सैटन का कपड़ा खरीदा बड़ा सा, तो 2 टुकड़े तैयार हो करके बन गया था, तो वही अगल बदल पलट के लगा देती हूँ, 2 करके दूसरा एक दूसरा, तो इसलिए वो पीला है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई खास रीजन है कि पीला ही डालना है, लाल पीला यही दोनों चलते हैं पूजा में ज्यादातर, है ना। बस अब ये इसके बाद ये जो बर्तन सूख जाते हैं वो हटा लिया, सब ट्रॉली में रख दिया, और अब मैं थाली लगा रही हूँ हम तीनों के लिए, सांभर चटनी इडली। और किसी ने मुझे बोला है कि ये जो ट्रॉली है इनमें क्या क्या सामान रखती हैं, कैसे रखती हैं, तो वो भी दिखाऊंगी मैं। किसी दिन अलग से बनाना पड़ता है ना, एक खाना तो बनना ही रहता है, आधा तो इसी में मैं थक जाती हूँ, और उसके बाद फिर वो दूसरे और सोचती हूँ कि ये करूँ वो करूँ, फिर रह जाता है शूटिंग वाला काम। मानो मैं एक खाने की शूटिंग ना भी करूं, तो खाना तो मुझे बनाना ही रहता है ना, वो वाले काम तो करने ही रहते हैं, तो थकान तो उसमें भी होती है ना, चाहे शूटिंग करो चाहे ना करो। बस शूटिंग में थोड़ी ज्यादा हो जाता है, टाइम टेकिंग है, लेकिन बनाऊंगी किसी दिन। ये जो जितनी भी अलमारियां हैं किचन में, क्या क्या कहाँ खजाना रखा है अभिलाषा ने ना, वही देखना है। एक बार बनाया था मैंने जब ना ट्रॉली क्लीनिंग किया था। और अब शाम का टाइम है, तो शाम का दूध चाय सब हो चुका है, बच्चों ने मैंगो शेक पिया और मैंने अपनी चाय ली, फिर दोबारा शिफ्ट में इडली सांभर बच्चों ने खाया, और अब मैं जा रही हूँ अपनी आई टेस्ट करवाने। कुछ दिनों से बीच बीच में मेरा सर दुखने लगता है, कुछ ज्यादा तेज सर दुखता है, कि इतना तेज कि फिर आंख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है दोपहर में हो या रात में। और लेकिन अभी फिलहाल फिर से ठीक हो गया था, मतलब एक हफ्ते पहले ज्यादा तेज सर दर्द हो रहा था, फिर सही हो गया, अभी सही है। लेकिन चूंकि गुप्ता जी जा रहे हैं बाजार, तो उन्होंने बोला है कि तुम भी चलो अगर तुम्हें टेस्ट करवाना है तो। मैंने कहा चलिए चलते हैं, आज शाम की मैं शूटिंग नहीं करूंगी और आज मैं अपना आई टेस्ट करवा लेती हूँ। और गुप्ता जी आए थे ड्यूटी से, तो उन्होंने खाया गरम गरम सांभर इडली चटनी। शाम को अब हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए।
मुझे किसी ने बोला है स्पेशली कि ये जो स्कार्फ लगाते हैं तो वो कैसे लगाते हैं आराम से दिखाएं, तो अच्छा हुआ आज मैंने ये कमेंट भी पढ़ा था और ये मैं जा ही रही हूँ बाहर। देखो मैंने पहले तो एक मास्क लगाया, आजकल डबल मास्क लगाना चाहिए, तो डबल मास्क लगाने की वजह के लिए मैं ये कपड़ा लगा रही हूँ। तो स्कार्फ जो कि शाम में जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला था लगा के दिखाने को, तो मैंने इसलिए दिखाया। पहले सर पे लगा करके कान की तरफ दोनों साइड से अच्छे से चिपका लेते हैं, ऐसे जैसे कान के पीछे नहीं कर लेते हम लोग साड़ी का पल्लू वैसा वाला। उसके बाद जो हाफ आगे लटका हुआ है उसको मैं ऐसे हाफ फोल्ड कर लेती हूँ और इस तरीके से पकड़ के उसको डबल कर लेते हैं और फिर गांठ लगा देते हैं। तो मैंने, मुझे लग रहा है धीमे ही किया है ना, स्लो, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। किसी ने बोला था कि आप स्कार्फ लगा करके दिखाइएगा कि फेस को कैसे कवर करते हैं। शाम का मौसम बहुत प्यारा है, देखो बालकनी से भी कितना सुंदर लग रहा है, तो बाहर रोड पे तो अच्छा लगेगा ही। गुप्ता जी के साथ उनकी बाइक में ही जा रही हूँ मैं, और दो हॉस्पिटल पहुंचे थे हम कि कहीं पे भी डॉक्टर मिले, नंबर लगाएं। फर्स्ट टाइम मैं अपनी आंखों के चेकअप के लिए आई हूँ, पहली बार। 45 की होने वाली हूँ मैं नवम्बर से, 40 के बाद तो चश्मा लगता ही है।